सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर वित्त आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसका विस्तृत रूप से आज राज्य सरकार ने आयोग को अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त, वित्त मंत्री जी के अतिरिक्त, राज्य सरकार के ओर से आयोग को एक डिटेल मेमोरेंडम भी राज्य सरकार ने पेश किया। इस मेमोरेंडम में उन चीज़ों का वर्णन है, विशेषकर जो उत्तराखंड की परिस्थितियों के कारण इनकी चुनौतियां हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वित्त आयोग से क्या उनकी आकांक्षा है। उत्तराखंड सरकार ने अपने दृष्टिकोण से वित्त आयोग के समक्ष ये रखा कि 15वें वित्त आयोग की किन अनुशंसाओं के लिए वो पहल कर रहे हैं, और जिसमें उनका ऐसा विचार है कि अगर इसकी स्वीकृति हुई तो राज्य की प्रगति में एक नया मोमेंटम जोड़ आएगा। इन सभी मामलों के ऊपर सहानुभूतिपूर्व और सकारात्मक दृष्टिकोण से आयोग विचार करेगी। 3-4 मुख्य मामले आयोग के समक्ष आए। सर्वप्रथम आयोग के समक्ष राज्य सरकार द्वारा बताया गया, और मुख्यमंत्री ने विशेषकर इस मामले पर बहुत जोर दिया कि 11वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग के तुलनात्मक जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 14वें वित्त आयोग ने दिया, वो उस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से उनकी बहुत निराशा है, क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं। यह भी बताया गया कि जो राजस्व का अनुमान और जो व्यय का अनुमान 14वें वित्त आयोग ने लगाया था वो वास्तविकता से परे था, और 15वां वित्त आयोग इसके ऊपर पुनः विचार करे। परंपरा में एक वित्त आयोग दूसरे वित्त आयोग के अनुशंसा के ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं देता है। संविधान में भी और संविधानिक दृष्टिकोण से भी ऐसा करना उचित नहीं होगा, परंतु इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जरूर ये बताया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जो मांगे हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अपेक्षा है, उसके ऊपर 15वें वित्त आयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से पुनः विचार करेगी। ऐसा इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इसलिए राज्य सरकार को बताया क्योंकि जो आंकड़े हम लोगों के समक्ष आए उससे ज़रूर ऐसा प्रतीत होता है कि जो अनुमान लगाए गए थे वो शायद अनुमान ज़्यादा ही आशावादी थे, और वर्तमान दृष्टिकोण में जो और कठिनाइयों हैं उस लेकर के वित्त आयोग ने कहा कि वो ज़रूर इस विषय पर पुनः विचार करेगी, इस दृष्टिकोण से कि शायद उत्तराखंड को फिर निराशा नहीं होना पड़े। दूसरा मामला जो आयोग के समक्ष आया वो यह था कि जो GST से उत्तराखंड के राज्य को अपेक्षा थी, GST से में राजस्व की जो वृद्धि हो रही है वह उससे उत्तराखंड सरकार काफ़ी निराश है। मेरे जानते यद्यपि हम लोग इन आंकड़ों का आगे और समीक्षा करेंगे, वैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी GST का अंतिम रेस्टिंग पॉइंट शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन GST की असेसमेंट आयोग कंटिन्यूसली करती रहेगी, क्योंकि हम लोगों का भी ये एक मुख्य काम है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना राजस्व उपलब्ध होगा इसका एक सही अनुमान हो।
जीएसटी के मामले के ऊपर भी उत्तराखंड सरकार ने जोर दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वो आपको पहले बताया है। तीसरा मामला जो हम लोगों के समक्ष उन्होंने रखा कि उत्तरांचल की विशेष परिस्थितियां हैं, यद्यपि नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, परंतु एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस के दृष्टिकोण से जितना लाभ उनको होना चाहिए वो शायद नहीं प्राप्त हो रहा है, और उत्तराखंड सरकार की अपेक्षा है कि किस रूप से और किस नए पूंजी निवेश की नीतियों से जो नेचुरल रिसोर्सेज उत्तराखंड को उपलब्ध है वो हासिल कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष उत्तराखंड सरकार को ज़रूर, उत्तराखंड सरकार को जितना खर्चा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो अन्य राज्यों को तुलनात्मक अधिक है, क्योंकि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, एक जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार चाहती है कि नए मापदंड से इन सब व्ययों का जांच हो, स्वाभाविक है, और इसके ऊपर भी आयोग विचार करेंगे। अंत में ना कहूँ कि उत्तराखंड की जो पोटेंशियल्स हैं वो इमेंस हैं, ये एक नेशनल हब हो सकता है फॉर टूरिज्म, फॉर नेचर, फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, एंड इट हैज़ बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज। वी इन द फाइनेंस कमीशन स्टैंड कमिटेड टू ट्राई एंड हेल्प इन अ रीजनेबल वे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फुल रियलाइजेशन ऑफ उत्तराखंड्स ह्यूज untapped potential. In this we have received enormous support and cooperation from the government of Uttarakhand and its officers. Jo memorandum prastut hua hai